छत्तीसगढ़ सरकार जंगलों को कम होने को लेकर चिंता जाहिर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की मिलीभगत के चलते ही वन भूमि का धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है। ऐसे ही एक मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर के रघुनाथ नगर फॉरेस्ट रेंज में सामने आया है, जहां के करी कोगवार ग्राम पंचायत में कुछ दबंगों ने 60 एकड़ वन भूमि पर कब्जा कर लिया है, जबकि कार्रवाई के नाम पर वन विभाग ने सिर्फ 150 रुपए जुर्माने की रसीद काटकर औपचारिकता पूरी कर ली है। इस मामले को उजागर करने वाले उप सरपंच का कहना है कि वन विभाग के लोग यहां कभी नहीं आते हैं, इसलिए कब्जा होता जा रहा है। आ रहे हैं फिर से रसीद काटने के बाद में फिर वो लोग जंगल वाले कोई नहीं आए और रसीद कटाते, कम से कम कटाए रसीद हमको हो गया 25-30 साल और उस जमीन को आज तक जोतते ही आ रहे हैं। अतिक्रमण की सूचना मिली है क्योंकि अभी बरसात के शुरुआत में अतिक्रमण की बहुत सारी घटनाएं होती है और ये जानकारी में है मुझको और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता सुधीर फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, वन विभाग की तरफ से कार्रवाई के नाम पर महज 150 रुपए वसूल करके खाना पूर्ति कर दी गई, ऐसे में ग्रामीण या आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ से कैसी प्रतिक्रिया है? जी, मैं बताना चाहूंगा इस विषय में, हमने जब ग्राम पंचायत करी कोगवार में जाकर मामले का मुआयना किया तो पता चला कि लगभग 60 एकड़ की भूमि जो है वो फॉरेस्ट की है, जिस पर गांव के ही कुछ दबंगों का कब्जा है, उस पे वो लोग रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग का किसी प्रकार तो शायद बहुत बड़ा रकबा फॉरेस्ट को वृक्षारोपण के लिए मिल सकता था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज।